asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do, is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this one... साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश भर में CAA, NRC और CAB विरोधी प्रदर्शनों में एक बात कॉमन है, वो बात ये है कि सभी जगह सरकार का विरोध होने के साथ ही साथ गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शाहीन बाग में कुछ दिन पूर्व दीपक चौरसिया के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई, अगले दिन जब दीपक चौरसिया और जी न्यूज के सुधीर चौधरी वहां पर कवर करने गए तो वहां की महिलाओं ने इन लोगों को जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस स्थल तक घुसने ही नहीं दिया। दूर से ये दोनों पत्रकार सवाल पूछते रहे, लेकिन उन महिलाओं का एक ही जवाब था कि गोदी मीडिया को हम यहां पर कार्यक्रम कवर करने के लिए, ये विरोध प्रदर्शन कवर करने के लिए नहीं आने देंगे। शाहीन बाग ही इसका उदाहरण नहीं है, देश भर में जहां भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं ये गोदी मीडिया उन प्रदर्शनों में मीन मेख निकाल करके कहीं ना कहीं उसको देश विरोधी साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए लोगों का गुस्सा गोदी मीडिया के ऊपर फूट पड़ता है, तो उनका अपना गुस्सा निकालने का अपना अपना तरीका है। आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नए तरीके से एक कॉमेडियन ने गुस्सा व्यक्त किया है। दरअसल अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो टीवी पर आपको चीखते चिल्लाते देखे जा सकते हैं, और उनकी बहसों को तो इस तौर पर लोग लेते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हों। वो इंडिगो की एयरलाइंस में सफर कर रहे थे, उनके साथ बैठे हुए थे कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है। उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें वो लगातार अर्णव गोस्वामी से सवाल कर रहे हैं। इंग्लिश में उन्होंने सवाल किया है, उसका हिंदी में आपको बता देता हूं। वो बोलते हैं कि दर्शक आज यह जानना चाहते हैं कि अर्णव कायर हैं या देशभक्त, अर्णव या देश हित में है। मैं टुकड़े टुकड़े विमर्श का एक हिस्सा हूं, आपको मेरी हवा निकालनी चाहिए, आपको देश के दुश्मनों को बाहर निकालना चाहिए। आप यह सुनिश्चित करें कि देश नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। आप जानते हैं आप मेरी विनम्रता के काबिल नहीं हैं, यह आपके लिए नहीं है, यह रोहित बेमूला की माँ के लिए है जिनकी जाति के बारे में आप अपने शो पर चर्चा कर रहे थे। मुझे पता है कि कोर्ट इसकी अनुमति नहीं देता है। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद शायद उतना हंगामा नहीं मचता, हंगामा इसलिए मचा क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए सरकार के प्रति कुणाल कामरा पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा 6 महीने तक आप हमारी इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं नहीं ले सकते। इसी मामले में कूद पड़े नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उनको कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता को, अघोषित प्रवक्ता को कोई इस तरीके से सवाल कर रहा है तो निश्चित तौर पर हरदीप सिंह पुरी को भी अपनी स्वामी भक्ति दिखानी थी क्योंकि इस पूरे वाक्य में नरेंद्र मोदी का नाम भी बीच में आ रहा था। तो उन्होंने तुरंत ट्वीट करते हुए सुझाव दे दिया तमाम सारी एयरलाइंस को कि कुणाल कामरा के व्यवहार को देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा था तो इंडिगो के अलावा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर ने भी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के लगने के बाद ये बवाल और बढ़ गया। इस बवाल में कूद गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का इस बवाल से क्या लेना देना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि तेजस्वी ने ट्वीट क्या किया। तेजस्वी ने कहा, प्रिय पत्रकार, नेताओं को गाली देना आसान है लेकिन उनकी जिंदगी जीना मुश्किल। हमारी कहीं भी कोई प्राइवेसी नहीं होती है लेकिन आपकी होती है। हम लोगों की सेवा करने का ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए कोई हमारा शुक्रगुजार नहीं होता है। तेजस्वी यादव अकेले नहीं, तमाम सारे लोग इस बात, इस वीडियो को लेकर के ट्रोल करने लगे अर्णव गोस्वामी को। और ट्रोल क्यों हो रहे थे ये भी मैं एक वजह बता देता हूं। 20 जुलाई 2017 को इनकी चैनल यानी कि रिपब्लिक टीवी की पत्रकार दीप्ति सचदेवा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बताते हुए दर्शकों के सामने अवतरित हुए अर्णव गोस्वामी। खुद उस दिन वो प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जेट एयरवेज की उड़ान के समय लिया गया है जब तेजस्वी यादव उस उड़ान में सफर कर रहे थे। उसमें वीडियो में भले ही काट के दिखाया गया हो लेकिन उस दौर की जब मैं खबरें पढ़ता हूं 20 जुलाई 2017 की,
तो उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि एयर होस्टेस ने टोकने की कोशिश की थी कि मैम जो आप कर रही हैं वो ठीक नहीं है, यहां से हट जाइए। इसके बाद क्रू मेंबर ने भी उनको चेतावनी दी, जब बाद में कैप्टन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपकी वजह से मुझे ये फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद दीप्सी सचदेवा वहां से हटी। अकेले क्रू मेंबर्स ने, कैप्टन ने, उनके स्टाफ ने ही इस बात पर विरोध नहीं दर्ज कराया था। उस समय में भी तेजस्वी यादव ने विरोध दर्ज कराया था कि ये जगह राजनीतिक बात करने के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि आपके इस तरीके से माइक बाहर निकालने से लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन दीप्ति सचदेवा नहीं रुकी, वीडियो बना, उस वीडियो को इन्हीं अर्णव गोस्वामी ने, जो आज अपनी निजता की बात कर रहे हैं, उनके भक्तों ने भी सराहा था कि देखिए दीप्ति सचदेवा ने कैसे जेट एयरवेज में जाकर के तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लिया है। तो 20 जुलाई 2017 का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कह करके जो टेलीकास्ट किया गया रिपब्लिक टीवी पर, पहले आप भी वो निरलज्जता देख लीजिए। दीप्ति हैज मैनेज्ड टू इंटरव्यू तेजस्वी। Hi, can we quickly have a word with you? What happened in the meeting between you and Nitish ji? How was the meeting? I don't know. This is not a right place to talk, actually. We don't get to speak to you because you don't speak to the media at all. We will, on time, we'll talk. So Nitish ji was, what did he say to you? People, they have to have their meal also. Let them, let's do not disturb them. No, it's not about disturbing. I'll only take 2 minutes. No, it's fine. सोशल मीडिया की यही एक बड़ी देन है कि कुछ भी छुपाए नहीं छुपता है। आज भक्त निजता की बात कर रहे हैं, उस समय तेजस्वी यादव जब कह रहे थे कि एयरलाइंस में इस तरीके से वीडियो मत बनाइए और लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तब उनकी निजता की बात सामने नहीं आई थी। DGCA यानी कि जिसके नियमों के अंतर्गत एयरलाइंस चलती हैं, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कुणाल ने उड़ान के दौरान वीडियो बनाकर नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उड़ान के दौरान किसी की निजता का हनन करना, वीडियो बनाना या उनकी असुविधा का कारण बनना नियमों का उल्लंघन समझा जाता है। तो DGCA के लोगों से और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से निवेदन करता हूं कि 2017 में भी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय तेजस्वी यादव की निजता का हनन क्यों नहीं हो रहा था जब वो एयरलाइन में सफर कर रहे थे? अगर वीडियो बनाना आपकी नजर में किसी की निजता का हनन करना है और DGCA के निर्देशों का उल्लंघन करना है, तो उस समय उस तथाकथित पत्रकार दीप्ति सचदेवा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? DGCA से मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर से कुछ लोग बहस कर रहे हैं एयरलाइंस में, और वो बहस इस वजह से हो रही थी क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के लेट आने की वजह से 1 घंटे फ्लाइट डिले हुई थी। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली, अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा राइट फर्स्ट क्लास। तो अगर 1 घंटे फ्लाइट डिले होती है तो DGCA के नॉर्म्स के हिसाब से प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? अगर डिले हुई थी तो क्या जो उसमें बैठे हुए थे सभी लोग पैसेंजर्स, उनको हरजाना मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, यह भी बताना चाहिए। अकेले प्रज्ञा ठाकुर जैसी सांसदों की बात नहीं है, तमाम माननीयों के चक्कर में अगर फ्लाइट डिले होती है उसमें भी पैसेंजर्स को तकलीफ उठानी पड़ती है, तो उसके लिए DGCA के दिशा निर्देश क्या हैं? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है, भक्तों को ऐसा लगता है, DGCA को ऐसा लगता है, पूरे शासन प्रशासन को ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने गलत किया है इस तरह का वीडियो बना करके, तो आपको सवाल उठाना चाहिए था 2017 में दीप्ति सचदेवा पर, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जो कहीं भी जा करके माइक ठूसने को पत्रकारिता का परम धर्म मानते हैं। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि अर्णव गोस्वामी जो गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो कंपनी ARG आउटलायर एशियानेट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी रिपब्लिक टीवी हिंदी और इंग्लिश का संचालन करती है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले व्यक्ति का नाम है राजीव चंद्रशेखरन,
और वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी सांसद का पैसा अगर लगा है तो उनकी स्वामी भक्ति में बोलना इस तरह के लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है। 31 मार्च 2018 को जब इस बात का विरोध ज्यादा बढ़ा तो राजीव चंद्रशेखर ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन निदेशक पद से इस्तीफा देने भर से आपने जो पैसा निवेश किया है रिपब्लिक टीवी में, इस संस्थान में, उस वो पैसा तो बाहर नहीं निकाला, आपने इस्तीफा दिया। आपकी पत्नी अर्णव गोस्वामी खुद और उनकी पत्नी वहां निदेशक ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस चैनल की निष्पक्षता पर हम सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। नेशनल जनमत किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। नेशनल जनमत का मानना यह है कि अगर आप किसी से असहमति व्यक्त करते हैं तो उससे विचार विमर्श करें, बहस करें। हाथ लगाने का, हाथापाई करने का अधिकार, दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस तरीके से दीपक चौरसिया के साथ किया गया, निश्चित तौर पर ऐसे कृत्य की भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया को भी समझ लेना चाहिए कि आपके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि आप कहीं से लेकर के जनता के ऊपर, पब्लिक के ऊपर भौंकते हैं, ये अब नहीं चल पाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो